नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडियन ओलंपिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2024 ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन से भारतीय बॉक्सर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के सक्षम हैं। बॉक्सिंग का संचालन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन या IBA करती है। IBA के भीतर करप्शन और जजिंग समस्या जैसे गंभीर मुद्दों के कारण बॉक्सिंग को ओलंपिक से निकाला जाने की खतरा मंडरा रहा है। 2016 ओलंपिक्स में IBA की खुद की जांच में पाया गया था कि कई मैच फिक्स हुए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन बॉक्सिंग को रखना चाहती है, लेकिन IBA पर भरोसा उठ गया है। आमतौर पर स्पोर्ट्स फेडरेशन उस स्पोर्ट की क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का आयोजन करती है, लेकिन 2020 ओलंपिक्स की तरह बॉक्सिंग के लिए 2024 में भी IOC खुद ही क्वालिफिकेशन का आयोजन करेगी, तो इसलिए बॉक्सिंग का भविष्य ओलंपिक्स में अनिश्चित है। अब क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर नज़र करते हैं। पुरुषों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 6 वेट क्लास होंगे और प्रत्येक देश प्रत्येक क्लास में अधिकतम एक ही बॉक्सर क्वालिफाई कर सकता है। होस्ट नेशन फ्रांस को पुरुषों और महिलाओं में 3-3 कोटा की गारंटी है। क्वालिफिकेशन 5 कॉन्टिनेंटल खेलों के माध्यम से होगी। फिर पहला वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, उसके बाद फ्रांस को पहले टूर्नामेंट में मिले गए कोटा के संख्या के आधार पर दूसरे वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में उचित संख्या में स्थान उपलब्ध होंगे और अंत में कुछ वाइल्ड कार्ड ट्राइपार्टाइट कमीशन के देशों को दिए जाएंगे। ट्राइपार्टाइट कमीशन में वो देश होते हैं जो 8 से कम एथलीट क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये थी बॉक्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन की समरी। अब देखते हैं उन भारतीय बॉक्सर्स पर जो क्वालिफाई कर सकते हैं। पुरुष बॉक्सर से शुरुआत करते हैं। विभिन्न वेट क्लास में हमारे शीर्ष बॉक्सर हैं 51 kg में दीपक भोरिया, 54 kg में मोहम्मद हसमुद्दीन, 63.5 kg में शिवा थापा, 71 kg में निशान देव, 80 kg में विकास कृष्णन, 92 kg में नवीन कुमार और अंत में 92+ kg में नवेंद्र बेरवाल हैं। मोहम्मद हसमुद्दीन एक प्रतिभाशाली बॉक्सर हैं और वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज पदक के विजेता हैं। निशान देव ने 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कांस्य पदक जीता था। हालांकि अभी तक किसी भी पुरुष बॉक्सर ने एशियन गेम्स से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन कम से कम 4 बॉक्सर क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। अब महिला बॉक्सर पर नज़र करते हैं। हमारे शीर्ष बॉक्सर हैं 50 kg में निकहत जरीन, 54 kg में प्रीति पवार, 57 kg में परवीन हुडा, 60 kg में सिमरनजीत कौर, 66 kg में मंजू बमोरिया और 75 kg में लवलीना बोरगोहेन हैं। 2022 एशियन गेम्स में 4 बॉक्सर जो क्वालिफाई हुए थे वो हैं निकहत जरीन, प्रीति पवार, परवीन हुडा और लवलीना बोरगोहेन। एक और महिला बॉक्सर क्वालिफाई करने की क्षमता रखती हैं। तो कम से कम भारत से 4 पुरुष और 5 महिलाएं क्वालिफाई कर सकते हैं। भारतीय बॉक्सर ओलंपिक्स में मेडल जीतने में भी सक्षम हैं। अगला हम फेंसिंग के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।